नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बड़ी खबर देखिए, आपको बता दें आज इंदौर में रामनवमी पर एक बड़ा हादसा हुआ है। इसने नगर के पास पटेल नगर में श्री बिलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हवन के बाद कन्या पूजन चल रहा था, एक बड़ा हादसा। इस दौरान यहां पर रामनवमी पर हादसे में चार लोगों के कहा जा रहा है कि शव बरामद हुए हैं। बावड़ी की छत धस गई जिसकी वजह से हादसा हुआ। 25 लोग देखे कहा जा रहा कि उसमें गिर गए। पुलिस और श्रद्धालु यहां पर रस्सियों से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करते रहे और यहां पर जो रामनवमी की खुशियां थी वो मातम में बदल गई। छत धसी, बावड़ी में गिरे 25 लोग बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर बड़ा हादसा हुआ है। 25 लोगों के गिरने का मामला कहा जा रहा है कि चार लोगों के शव बरामद हुए हैं। इंदौर में रामनवमी पर ये बड़ा हादसा हुआ है जिसके चलते यहां पर देखिए पीएम मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया। चार लोगों के शव यहां पर बरामद किए गए हैं, 18 लोगों को बाहर निकाला गया है। तस्वीर देखिए आपको दिखा रहे हैं, जब इंदौर में देखिए रामनवमी पर बड़ा हादसा हो तो वहां पर कैसे तुरंत आनन फानन में रेस्क्यू किया गया। हादसे में चार लोगों के शव को फिलहाल अभी देखिए बरामद किया गया। जो 18 लोग हैं उनको कहा जा रहा है बाहर निकाल लिया गया है, 18 लोगों को बाहर निकाला गया है रामनवमी पर यह हादसा जिसमें चार लोगों की जान गई। मातम में बदली रामनवमी की यहां पर खुशियां। तो छत धसी और यहां पर गिरे यहां पर 25 लोग जिसके चलते यहां पर अफरा तफरी। और माता में बदली रामनवमी की यहां पर खुशियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखिए इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया और इसी के साथ देखिए यहां पर इस पूरी घटना को लेकर अब तुरंत सीएम शिवराज ने भी यहां पर राहत बचाव कार्य के निर्देश दे दिए। इसके साथ यहां पर तुरंत मौके पर पहुंची टीम ने यहां पर 18 लोगों को बाहर निकाला। इसी के साथ यहां पर चार लोगों की कहा जा रहा है कि इसमें जान भी चली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर यह ट्वीट भी देखे हम आपको दिखा रहे। इसके साथ यहां पर माता में बदली रामनवमी की खुशियां। मिल रही है कि कई सारे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। पीछे तस्वीरों में देखते हैं तो यहाँ पर लगातार एनडीआरएफ की टीम, साथ ही प्रशासनिक अमला, फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस का प्रशासन पूरी तरीके से लगा है। कोशिश इस बात की जा रही है कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। बाहर मंदिर प्रमाइसिस के बाहर एम्बुलेंसेस लगाई गई हैं। चिंता हर परिजन को होती है जिन जिनके लोग अभी फिलहाल वहाँ मौजूद हैं। सर, आपके परिवार से कौन है अभी? मेरी मम्मी है, मेरा भाई है, भाभी है, भतीजा एक 8 साल का। भाई का तो अस्पताल से किसी ने फोन लगाया था, तो जब हमको खबर लगी कि वो अस्पताल में ऐसा हुआ है, वो सूचना पल में है तो ठीक है, वो बात कर रहा है। हाँ, बाकी 3 लोगों का मेरे घर वालों को पता नहीं है, भतीजा। अभी जो मुझे अंदर से सूचना मिल रही है, जो मुझे सूचना मिल रही है और साथ ही साथ देश आपके साथ में प्रार्थना और दुआएं करता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद है सर, आप हिम्मत रखिएगा। आप 7 लोग इनके, सर सर आप हिम्मत रखिएगा। देखिए इस चीज को, सर देखिए निश्चित रूप से बहुत मुश्किल मुश्किल समय है, लेकिन अब तक ऊपर वाले ने साथ दिया है तो हम उम्मीद ये रखते हैं कि निश्चित रूप से ये रेस्क्यू पूरी तरह सक्सेस। प्रशासन सही समय पे सही निर्णय लिया और प्रशासन ने, आप देख रहे हैं, पूरी टीम लगा दी। मैं मंत्री प्रतिनिधि सिलावट जी की तरफ से आपको बोल रहा हूँ, हम 1968 से यहीं रहते थे। कई बार इस कुएं में हादसे हुए तो इसको सेफ्टी के लिए इन्होंने उसको कवर करा, लेकिन इतना कवर करना कभी नहीं था। ये तो थोड़ा सा थोड़ा सा ज़्यादा है। कुएं को कवर करते हैं कि बच्चे गिर नहीं जाए मंदिर में, और मंदिर भी इसीलिए बनाया था कि सेफ्टी रहे मंदिर में। और मंदिर होना चाहिए थी सर, देखिए हादसा हुआ है। अभी फिलहाल आपकी हमारी प्रायोरिटी सिर्फ ये है कि ऊपर वाला करे कि बच्चे सबसे ज्यादा, अभी कलेक्टर महोदय ने कहा 7 से 8 अंदर हैं और उम्मीद है कि सभी, हम कुछ फोटोज भी बाहर आ रहे हैं, अंदर से कुछ फोटोज दिए जा रहे हैं कि सुरक्षित हैं। सर आपके परिजन भी कोई हैं? हम तो रहवासी होने के नाते यहाँ खड़े हुए हैं। अब तक जो ऑपरेशन चल रहा है ठीक चल रहा है, ऑपरेशन प्रशासन लगा हुआ है यहाँ पे। उम्मीद की जा रही है कि सभी लोग सुरक्षित होंगे, आप लोग भी प्रार्थनाओं में शामिल। हाँ सर, हम भी हैं, हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि इसने नगर पे दाग नहीं लगे, पटेल नगर के मंदिर पे, और सब लोग यहाँ से सुरक्षित निकले। सब लोग आपके, मेरे लिए, शहरवासियों के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी शायद सिर्फ यही है कि जितने हैं सुरक्षित बाहर आ जाए। स्वाभाविक सी बात है, सब उनकी सकुशलता की प्रार्थना कर रहे हैं और एक एक करके लोग निकाल भी रहे हैं। हम लोगों से यही कह रहे हैं कि अंदर चूंकि भीड़ न बनाए, बाहर आए और बाहर आके जो राहत दल है उनको अपना काम करने दिया जाए। साथ ही साथ जो लोग अस्पताल गए हैं उनकी भी स्वस्थ होने की कामना करते हैं और जितने 100% लोग अंदर हैं उनको प्रभु रक्षा करे, इसी मनोकामना। भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती हो, चाहे सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से हो, विपदा होगी तो सब साथ खड़े होंगे। विपदा में हम सब साथ हैं, सब संकट के समय सबका साथ रहेगा और सबका विकास। स्वाभाविक बात है, मानवता की बात है। हमारा इंदौर शहर तो वैसे ही प्रेम भाव सद्भाव का शहर है। तो देखिए सबसे बड़ी तस्वीर आज इस शहर से, फिर वही
कहती हुई नजर आती है कि सब मिलकर काम करेंगे और सब इसी बात की कामना कर रहे हैं कि लगातार जितने लोगों को निकाला जा रहा है सब सुरक्षित बाहर निकले।